हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स ऑब्जेक्टिव रूप में। ये सभी तो अभी तक हम लोग 300 क्वेश्चंस ख़त्म कर चुके हैं। 301 से हमें बात करनी है। 301वां क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बता देना है, शाहजहां ने। क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन हमारा दूसरा, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? दसवंत। क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये थे गुलबदन बेगम। क्वेश्चन है हमारा चौथा, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर। क्वेश्चन है हमारा पांच, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। क्वेश्चन है हमारा छठवा, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। क्वेश्चन है हमारा सातवा, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो ये थे शाहजहां। क्वेश्चन है आठ, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? याद रखना 1928 में। सी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन है हमारा नौ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो ये आया था 1921 में। डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा दस, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके जिसके निर्देशन में हुआ था, वह कौन था? फैजी। क्वेश्चन है हमारा ग्यारह, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। क्वेश्चन है 12, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बता देना है, ग्वालियर में। क्वेश्चन है हमारा 13, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये था आपका औरंगजेब। क्वेश्चन है हमारा 14, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। क्वेश्चन है हमारा 15, मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। 15 में आपका ए है। सोलह, मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से, किससे? पारसियों से। क्वेश्चन है हमारा 17, शेर शाह के बचपन का नाम था? फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। क्वेश्चन है हमारा 18,
इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। बिलग्राम का युद्ध, ए ऑप्शन सही है 18 में। क्वेश्चन है हमारा 19, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह। क्वेश्चन है 20, पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। क्वेश्चन है हमारा 21, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो ये था आपका औरंगजेब। क्वेश्चन है हमारा 22, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? थे आपके शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 23, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये थे आपके मुइनुद्दीन चिश्ती। 23 में आपका डी है। क्वेश्चन है हमारा 24, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है किससे? सूफी जो सिलसिला है आपका, ये आपका इस्लाम से संबंधित है मूलतः। 24 में आपका सी। क्वेश्चन है हमारा 25, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो ये था आपका नक्शबंदी। क्वेश्चन हमारा 27, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है इसकी कश्मीर की। क्वेश्चन है 28, सूफी संत ख्वाजा मुनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान के। क्वेश्चन उनतीस, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? अमीर खुसरो। क्वेश्चन है 30, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के। क्वेश्चन है 31, बौद्ध ग्रंथ पिटको की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ये थी आपकी पाली भाषा। बात करते हैं 32, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। क्वेश्चन है हमारा 33, सांची के क्यों विख्यात है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। 33 में आपका क्या है? बी, सॉरी ए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप।
क्वेश्चन है हमारा 34, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी महाप्रजापति गौतमी। क्वेश्चन है हमारा 35, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। क्वेश्चन है हमारा 36, बुद्ध के गह त्रयाग का प्रतीक है? घोड़ा। क्वेश्चन है 37, महावीर का मूल नाम था? वर्धमान। क्वेश्चन है 38, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 39, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ कर थे? तो ये आपके 24वें, कौन से थे? 24वें। क्वेश्चन है हमारा 40, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, क्या है? अहिंसा। क्वेश्चन है हमारा 41, जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने। क्वेश्चन है हमारा 42, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। क्वेश्चन है हमारा 43, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 44, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल। क्वेश्चन है हमारा 45, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये था आपका राजगृह। क्वेश्चन है आपका 46, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये थे आपके सात्वत्तों ने। क्वेश्चन है हमारा 47, सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, किसका है? जैन धर्म का। क्वेश्चन है हमारा 48, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन है हमारा 49, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, क्या था? विक्रमशिला। क्वेश्चन है 50, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, कौन है? नालंदा विहार। क्वेश्चन है हमारा 51, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन है हमारा 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद, क्या था? मिलिंद। क्वेश्चन है हमारा 53, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिसत्व अवलोकितेश्वर को
किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये था आपका पद्य मणि। क्या था? पद्य पानी। इसमें मैच पेंट हो गया। ठीक है, पद्य पानी। क्वेश्चन है चुम्बन। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन है हमारा 55। किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के समय। क्वेश्चन है हमारा 56। योगाचर और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। क्वेश्चन है 57। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन है हमारा 58। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यह था आपका अशोक। क्वेश्चन है हमारा 59। निम्नलिखित में से सम्राट निम्नलिखित में सम्राट की वह पत्नी कौन थी जिसने उनकी उनुष्ट्र को प्रभावित किया था? तो यह थी आपकी कारुवाकी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 60। महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली के लिए। क्वेश्चन है हमारा 61। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसको क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। क्वेश्चन है हमारा 62। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन है हमारा 63। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? तो ये था बौद्ध। क्वेश्चन है हमारा 64। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो ये था आपका मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन है हमारा 65। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो ये था आपका चाणक्य। क्वेश्चन है हमारा 66। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। क्वेश्चन है हमारा 67। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु नहीं था, अशोक था, बिंदुसार था, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 68। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आपका कुणाल। कौन था? कुणाल। क्वेश्चन है हमारा 69। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। इस वंश ने मौर्य वंश ने। क्वेश्चन है हमारा 70। किसने पाटलिपुत्र को पॉली बोर्था कहा? तो एक कहा था मेगास्थनीज ने। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये आपकी 15 में। ठीक है, तो 71 में आपका सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 72। किस वंश के शासकों ने छत्तप प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने छत्तप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो ये आप थे कि थे शक, क्या थे? शक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 73। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा, क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा 73 में। क्वेश्चन है हमारा 74। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये याद रखना है, मथुरा संग्रहालय में। किसमें? मथुरा संग्रहालय में। क्वेश्चन है 75। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तिथि आपका मामूल नाल में। 75 में आपका ए। क्वेश्चन है 76। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त आपके कुषाणों के सामंत थे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 77। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आपकी बंबई में हुई थी। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 78। क्या है? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी साहब को। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 79। किस गवर्नर जनरल के कार्यालय के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो याद रखना, लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय। क्वेश्चन है हमारा 80। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये था आपका लॉर्ड डफरिन। किसके? लॉर्ड डफरिन के। 380 में आपका, सॉरी एक मिनट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो आपको बता देना है लॉर्ड डफरिन। सी ऑप्शन है, ठीक है, 79 में। और 80 में आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पूछ रहा है 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन के, किसके? लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन है हमारा 81। क्या है? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 82। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा नौरोजी पहले व्यक्ति थे भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन है हमारा 84। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी। क्वेश्चन है हमारा 85। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। कई बार पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 87। गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे आपके हरदयाल। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 88। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था?
तो ये आपके थे बाल गंगाधर तिलक साहब। डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 89, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 90, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन है 91, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो ये थे आपके अरविंदो घोष। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 52, 1916 में ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। क्वेश्चन है हमारा 93, पंजाब केसरी का खिताब किसने दिया? पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक साहब को। क्वेश्चन है हमारा 95, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन है हमारा 96, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 97, बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। क्वेश्चन है 98, अखिल भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? श्रीमती एनी बेसेंट। क्वेश्चन है हमारा 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था यानी अध्यक्ष था, बदरुद्दीन तैयब जी। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 400, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 400 में आपका डी है। तो चलिए, ये थे आपके 400 तक क्वेश्चन हम लोग अभी तक खत्म कर चुके हैं। 401 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।